हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। उत्तराखंड के एग्जाम्स की तैयारी पाठशाला के साथ है जारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रिंगाल का उपयोग किया जाता है। रिंगाल एक प्रकार का पौधा या एक प्रकार की झाड़ी होती है उत्तराखंड में, और इसका उपयोग किया जाता है किसमें? तो चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मोस्टा, सोना, कंडा या फिर चंगेरा बनाने के लिए। अगर बात करेंगे इसके वैज्ञानिक नाम की, किसकी वैज्ञानिक नाम की, योगा किमोनो 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 बमोसा किमोनो बमोसा फेलकाटा फेलकाटा, ठीक है। कमलेश्वर मंदिर स्थित है। देखिए क्वेश्चंस आपके लिए इतना ज्यादा टफ है ना, ज्यादा इजी है, मॉडरेट है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप पाठशाला ऋषिकेश के साथ अपने एग्जाम तक जुड़े रहे तो मैं आपको कम से कम 1000 से लेकर 10000 क्वेश्चन याद करवाऊंगा, ठीक है। कमलेश्वर मंदिर स्थित है, चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर होगा श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है कमलेश्वर मंदिर, बैकुंठ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यहाँ पर क्या होता है, मेला लगता है। जो भी दंपति संतान प्राप्ति चाहते हैं वो यहाँ पर पूरी रात हाथ में घी का दिया जलाते हैं जिनसे उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। निम्न में कौन सा लोक वाद्य यंत्र उत्तराखंड से संबंधित है? ठीक है जी, ढोल, मस्टबीन, हुड़का, उपरोक्त सभी। आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। सभी के सभी क्या है? उत्तराखंड के वाद्य यंत्र है। 2015 में हमारा ढोल क्या हुआ, वाद्य यंत्र घोषित हुआ हरीश रावत जी के समय पर। मस्टबीन जो कहां से आया है, स्कॉटलैंड से है, लेकिन अब हमारा वाद्य यंत्र लोक वाद्य यंत्र बन चुका है। बागनाथ का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? बागनाथ बागेश्वर का ही पुराना नाम, बागेश्वर को बागनाथ या फिर एक दूसरा नाम क्या, व्याघ्रेश्वर, व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता था व्याघ्रेश्वर। और ये मंदिर प्रसिद्ध है किसके लिए, शिव के लिए, ठीक है ना। नाग देवताल स्थित है कहा, तो नाग देवताल स्थित है आपका ऑप्शन सी, रानीखेत अल्मोड़ा में, ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में कितने विधायक चुने जाते हैं? उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो ये है आपका, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए बनेगा 71। वैसे 70 सीट्स है, 71 अगर हम एंग्लो इंडियन को जोड़ देते हैं, लेकिन हम एंग्लो इंडियन हमने हटा दिया है, तो 70 सीटें होंगी विधानसभा की। और लोकसभा की कितनी है, 5 सीटें, कितनी लोकसभा की, 5, और राज्यसभा की 3 सीटें हैं उत्तराखंड से। कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, द्वाराहाट, जिसे हिमालय की द्वारिका, हिमालय की द्वारिका या फिर कुमाऊं का खजुराहो, कुमाऊं का खजुराहो, ठीक है ना, कहा जाता है। 30 मंदिरों का समूह है, 30 मंदिरों का समूह है कहां पर, द्वाराहाट में। जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है, ये कहां है आपका, तो ये है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है ना, अल्मोड़ा में स्थित आपका जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण विकास संस्थान, और कोसी नदी के तट पर है ये, और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। देखिए जिस क्वेश्चन में कुछ बताने के लिए होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, जहां आपको आंसर की जरूरत होगी सिर्फ आंसर बताऊंगा। तो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है आपका देहरादून में। उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता है? तो देखिये जनजाति वैसे शिक्षा तो नहीं लेते, लेकिन अब जनजाति के लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं शिक्षा की तरफ झुकाव उनका। सबसे सर्वाधिक माना जाता है भोटिया जनजाति है जो शिक्षित है। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा किसने अनुवाद किया? अच्छा जी, अगर आप परीक्षावाणी पढ़ते हैं, परीक्षावाणी में बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप परीक्षावाणी पढ़ते हैं तो उनमें जहाँ पर बुक्स लिखी है वहां पर इसे लिखा गया है। आंसर होगा आचार्य धर्मानंद जमलोकी। रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है। तो देखिए वैसे तो ऋषिकेश नाम चलता है कि ऋषिकेश है, लेकिन ऋषिकेश में भी एक जगह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और वो है आपका ऑप्शन ए कोडियाला। कपकोट ब्लॉक विकास खंड किस जनपद में स्थित है? तो कपकोट आपका स्थित है कहां, बागेश्वर में।
खलंगा मेला किस जनपद में लगता है? खलंगा मेला लगता है आपका ऑप्शन ए देहरादून में। नरेंद्र सिंह नेगी संबंधित है किससे? तो नरेंद्र सिंह नेगी का आप सभी जानते हैं म्यूजिक से संबंधित है। हाल ही में इन्हें क्या मिला है? गणनाट्य सम्मान भी मिला है। गणनाट्य सम्मान मिला है नरेंद्र सिंह नेगी को। उत्तराखंड का गढ़वाल का डायलन कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? डायलन। डायलन एक अमेरिकन पॉप स्टार थे, उनसे कंपेरिजन किया जाता है। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है आपका देहरादून में। ठीक है। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? मतलब विंटर लाइन कहाँ पर होती है? शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी या फिर नैनीताल? तो मसूरी में होती है विंटर लाइन। कब होती है? जनवरी के महीने में। ठीक है ना, जनवरी या दिसंबर एंड में भी बहुत बार होती है विंटर लाइन। और यहाँ के अलावा सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में होती है विंटर लाइन। विकास मेला किस जनपद में लगता है? तो विकास मेला लगता है आपको टीरी में। ठीक है ना, मतलब देखिए विकास मेले के नाम से बहुत सारे मेले हैं, लेकिन अगर सिर्फ विकास मेला की बात करेंगे तो वो होता है टीरी। अगर हम बात करेंगे बंड का विकास मेला, किसका? बंड विकास मेला। बंड विकास मेला तो ये लगता है आपका कहां? चमोली में। ठीक है। गौरापन शिवानी का जन्म हुआ, तो गौरापन शिवानी का जन्म हुआ था ऑप्शन बी आपका 1923 में। कहां हुआ था इनका जन्म? तो यह हुआ था राजकोट में। वैसे ही कहां की निवासी है? अल्मोड़ा की मूल निवासी है। कौन? गौरापन शिवानी। इनकी पुस्तकें आप देखेंगे कौन कौन सी? 14 फेरे, 14 फेरे, विषकन्या, विषकन्या, अतिथि। ठीक है, ये सभी इनकी क्या है? पुस्तकें है। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, कौन सा है? तो ये होगा आपका पहले आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र नगर। 318 सेंटीमीटर की यहाँ पर वर्षा होती है। और इसे उत्तराखंड का क्या? चेरापूंजी, चेरापूंजी या फिर मवासिन राम, मवासिन राम भी कहा जाता है। ठीक है ना, उत्तराखंड का चेरापूंजी, क्योंकि चेरापूंजी और मवासिन राम दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चेरापूंजी में पहले सबसे अधिक बारिश होती है विश्व में, और अब मवासिन राम में विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है, और दोनों ही मेघालय में है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो ये तो सभी बता देंगे आंसर कौन सा है, मोनाल। लेकिन आपको और चीजें जाननी, कैसे, क्या? जैसे मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस, लोफोफोरस इम्पी, इम्पी जेनस। ठीक है, और मोनाल का प्रियहार क्या होता है? आलू। ठीक है, फेजेंट परिवार का है, कौन से परिवार का? फेजेंट, अगर आप बायोलॉजी से तो पता होगा क्या फैमिली बांटी जाती है, इसमें फेजेंट परिवार का है। 1975 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। 1972 में संरक्षित घोषित किया गया था, क्या? संरक्षित घोषित किया गया। और 2008 में जनगणना हुई थी पहली बार, संख्या थी कितनी? 919। पहली बार जनगणना हुई थी 2008 में मोनाल की, और तब संख्या बताई गई थी 919। कालू तड़ागी किस राजा का सेनापति था? तो कालू तड़ागी सेनापति था किसका? सोमचंद का। जो सोमचंद थे, सोमचंद ने चार क्या थे? चार किलेदार नियुक्त किए थे, चार किलेदार नियुक्त किए थे। कौन कौन से? कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है ना, जिन्हें क्या कहा जाता था? चाराल कहा जाता था, चाराल। ठीक है, इन्होंने बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति की थी, किसने? सोमचंद ने बूढ़ा सयानों की नियुक्ति की थी। और सबसे पहले दोनाकोट के, दोनाकोट के रावत राजा को परास्त किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि सोमचंद ने सबसे पहले किसे परास्त किया था। 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, किसने लिया था? मुकुंदी लाल जी ने भाग लिया था। मुकुंदी लाल जी के बारे में पिछले 2-3 वीडियो से हम लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। सोम का भांडा नामक स्थल स्थित है, सोम का भांडा स्थित है आपका देवलगढ़ में। ठीक है ना, जहां पर अजयपाल द्वारा राजराजेश्वरी का मंदिर बनवाया गया था। केदार जीव किसे कहते हैं?
केदार जू केदारनाथ कल्पनाथ तुंगनाथ नहीं, थल केदार का नाम है केदार जू जो आपका स्थित है कहा पिथौरागढ़ में, कहा है पिथौरागढ़ में। राज्य का पहला आरोग्य शहर स्थित है, तो आरोग्य शहर पहला है ऑप्शन ए आपका ऋषिकेश। द्वाराहाट में नवी शताब्दी में ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, मां मृत्युंजय कटारमल गुजरदेव या कछेरी मंदिर, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी गुजरदेव मंदिर, द्वाराहाट का सबसे उत्कृष्ट मंदिर, द्वाराहाट का सबसे उत्कृष्ट मंदिर माना जाता है किसे, गुजरदेव मंदिर को। दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है, दीवान सिंह भाकुनी हमारे यहाँ के एक वैज्ञानिक है। अब यहाँ पर और ज्यादा डीप क्वेश्चन है कि कैसे वैज्ञानिक, तो ये औषधीय वैज्ञानिक है, ठीक है ना, और 1989 में इन्हें सी वी रमन पुरस्कार भी मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित होता है, देहरादून नैनीताल पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी, भुवनेश्वरी मेला, तो ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा, इसका आंसर होगा ऑप्शन, ऑप्शन तो है नहीं, इसका आंसर होगा पौड़ी, ठीक है ना, पौड़ी में लगता है भुवनेश्वरी मेला, ऑप्शन थोड़े गलत हो गए हैं, टेक्निकल टीम हमारी थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रही है। भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान स्थित है कहाँ, तो वाइल्ड लाइफ संस्थान सभी को पता है कहाँ स्थित है, ये स्थित है ऑप्शन सी देहरादून। बिरमा गागस बीनो किसकी सहायक नदियां है, तो बिरमा गागस बीनो सहायक नदियां हैं पश्चिमी रामगंगा की, अलकनंदा की सहायक की बात करेंगे तो पंचप्रयाग में जो नदियां मिलती है सभी अलकनंदा की सहायक है, साथ ही लक्ष्मण गंगा पुष्पावती ऋषि गंगा, ठीक है, ये सब भी क्या है अलकनंदा की सहायक नदी है। कोसी के जो सहायक नदियां है वो गाड़ गाड़ करके कुछ नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, गौला की सहायक नदियां हमें नहीं मिलती है। नानक सागर किस जनपद में है, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर, ठीक है ना, क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा है, यानी आपको सबसे छोटा जिला बताना है क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का, तो वो आपको सभी को पता है कौन सा है, वो है चंपावत, 1766 इसका क्षेत्रफल है, कितना 1766। बात करेंगे रुद्रप्रयाग की तो यह है 1984, नैनीताल की बात करेंगे 4251 और बागेश्वर का है 2246, ठीक है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है, देखिए भुवनेश्वरी मेला अलग है और भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है कहाँ, अंजनी सैन टीरी गढ़वाल में। प्रद्युम्न शाह नरेश डैश के युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे, कौन से युद्ध में, 14 मई 1804 को शहीद हुए थे खुड़कुड़ा के मैदान में, कौन, प्रद्युम्न शाह। भूमक उड़ियार स्थित है, तो भूमक उड़ियार स्थित है आपका ऑप्शन ए टीरी में। देखिए अगला क्वेश्चन, पिंडर नदी का उद्गम स्थल है बद्रीनाथ केदारनाथ पिंडारी ग्लेशियर या फिर मीलम ग्लेशियर, तो पिंडारी ग्लेशियर से उद्गम होता है पिंडर नदी का, और आटागाड़, कौन सी, आटागाड़ इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जो कहां से निकलती है, दुधातौली से निकलती है, और पिंडर एकमात्र अलकनंदा की सहायक है जिसका उद्गम कुमाऊं से। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी है किसने, ये लिखी है आपका ऑप्शन ए जॉब फ्रांसिस वाइट ने। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ठीक है जी, किसका है, तो यह है आपका 8,16,7,090,22,46 और 3,088, ठीक है, यह है, तो आप खुद ही बता सकते हैं कौन सा है, उत्तर काशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है, तो नंदा देवी राजजात यात्रा प्रारंभ होती है कासुआ गांव से, ठीक है ना, और होमकुंड के पास क्या होती है, समाप्त होती है, कहाँ होती है, होमकुंड के पास, 12 वर्षों में होती है, हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है नंदा देवी राजजात यात्रा को। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है, देखिए अल्मोड़ा सिक्के जो कुड़िंद वंश से हमें 3 सिक्के मिलते हैं, कौन कौन से, अमोघ भूति,
अमोघ, भूति, अल्मोड़ा और छत्रेश्वर, तीन प्रकार की हमें मुद्राएं मिलती हैं। और जो अल्मोड़ा सिक्के हैं उनमें नाम मिलता है शिवदत्त, शिवपालीदत्त, हरिदत्त और बहुत बार मगभद्द का नाम भी मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य में कौन सी जनजाति भूसेन देवता की पूजा करती है, कौन करती है, ये करती है आपकी ऑप्शन ए बोक्सा। बात करेंगे भूमिया देवता की, किसकी, भूमिया देवता, भूमिया देवता की पूजा करते हैं थारू और दूसरा आता है भूमियाल, तो भूमियाल देवता की पूजा करते हैं भोटिया। धनुष तीर्थ कहा जाता है, तो धनुष तीर्थ कहा जाता है आपका गंगा का उद्गम और भागीरथी और नर्मदा का संगम देवप्रयाग, ठीक है। उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है, चूना, फास्फोरस, जीवाश्म या फिर ए और बी दोनों, तो ए और बी, चूने की भी कमी और फास्फोरस की भी। उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ कहा जाता है, तो आधार स्तंभ माना जाता है आनंद सिंह रिठागणी जी को। तिलू रतौली की घोड़ी का नाम क्या था, तिलू रतौली की घोड़ी का नाम क्या था, ये था बिंदुली, ठीक है ना, बिंदुली तिलू रतौली की घोड़ी का नाम था। बाज बहादुर चंद के समकालीन थी, इसके बाज बहादुर चंद के, ठीक है ना, समकालीन थी तिलू रतौली। 15 साल की उम्र में ही रणभूमि में कूद पड़ी थी, ठीक है। कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1932 में, कहां की गई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, 9, 10, 11, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं, 6 राष्ट्रीय पार्क हैं उत्तराखंड में, कौन कौन से, तो कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, गंगोत्री, फूलों की घाटी और केदारनाथ, कौन सा, केदारनाथ, ठीक है। उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी हुई है, तो उत्तराखंड जगवाल जो है वो गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म है, जो कब आई थी, 1983 में आई थी, पारेश्वर गॉड, कौन, पारेश्वर गॉड, इसके निर्देशक और इसमें कलाकार भी थे, साथ ही महिला किरदार निभाया था कुसुम बिष्ट ने, ठीक है ना, मतलब हीरोइन थी इसकी कुसुम बिष्ट, ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है, ठीक है जी, हरिकृष्ण रतूड़ी, बद्रीनाथ पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली या शिव प्रसाद डबराल, तो चंद्र सिंह गढ़वाली तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, इतिहासकार तो ही नहीं, वो तो सिपाही थे। गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया था आपका ऑप्शन बी 2007 में। राज्य में दाकुनी नृत्य किया जाता है, कहा, तो दाकुनी नृत्य होता है आपका चमोली में। स्वर्णताल का पुराना नाम क्या है, तो स्वर्णताल का पुराना नाम है भालू बांध, जो स्थित है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है ना, एक अच्छा पर्यटन स्थल है भालू बांध। कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैं भी लगता है तीसरी या चौथी बार क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। 1820 में क्या हुआ था, एक ब्रिटिश यात्री था जिसका नाम था मूरक्राफ्ट, क्या, मूरक्राफ्ट, जिसने कहा था सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है, जड़ी बूटी संस्थान, ठीक है ना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, जड़ी बूटी शोध संस्थान है आपका चमोली के गोपेश्वर में, ठीक है, और वहीं उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ है आपका, श्रीनगर पौड़ी में। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थित है, भारतीय प्रबंध संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर में, ठीक है। उत्तराखंड में निम्न में सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, तो NH 58, जिसका नाम बदल चुका है, अब बदला हुआ नाम आप मुझे बताएंगे, यह है सबसे बड़ा राजमार्ग। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है, तो नगरीकृत जनपद सबसे ज्यादा कौन सा है, तो यह है आपका ऑप्शन डी देहरादून। शिखर फॉल किस जनपद में है,
देखिए अगला क्वेश्चन, शिखर फॉल किस जनपद में है? तो शिखर फॉल पड़ता है आपका ऑप्शन ए देहरादून में। टीरी का घंटा घर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बनवाया था आपका ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ की याद में 1897 में, ठीक है, जिसकी हाइट थी 110 मीटर। 1917 में अकाल निवारण समिति की स्थापना किसने करी? तो ये करी थी तारा दत्त गैरुल्ला ने, ठीक है। ये थे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें अपने राय और अपने आंसर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज रात 9:30 बजे क्विज होती है, उससे भी आपकी परीक्षाओं की प्रतियोगिता को, यानी जो आपकी तैयारी है उसको मजबूती मिलेगी। धन्यवाद।